अपने आप को चेंज करने की शुरुआत होती है एक अच्छी और एक अलग सोच से। और जब आप अपने आप को चेंज करते हो तभी आपका पूरा जीवन भी चेंज होता है। और इसके पहले मैंने हाउ टू चेंज योर लाइफ के ऊपर एक वीडियो बनाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप बाद में उसे जाकर देख सकते हो। और उस वीडियो में मैंने कहा था कि किस तरह से अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो वो आपकी चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करती है। और वैसे ही अपने आप को चेंज करना आपकी सोच पे डिपेंड करता है। और अपने आप को चेंज करना एक प्रोसेस है, एक प्रैक्टिस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम अपने आप को चेंज क्यों नहीं कर पाते हैं, इतना मुश्किल क्यों होता है अच्छे रास्ते पर चलना। मैंने देखा है लोगों को ये कहते हुए, जब मैं लोगों को समझाने जाती हूँ, अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स को समझाने जाती हूँ स्पिरिचुअलिटी के बारे में, तो वो यही कहते हैं कि वो नहीं कर पाएंगे, उनके पास टाइम नहीं है, वो बहुत ज्यादा बिजी हैं, और मैं इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी लाइफ अलग है। बट क्या वाकई में ऐसा है? जी नहीं, इस ह्यूमन बॉडी में मुझे भी यही एक लाइफ मिली है और बाकी सबको भी यही एक लाइफ मिली है। बाकियों के पास भी 24 घंटे हैं और मेरे पास भी 24 घंटे ही है। बट ऐसा क्या है जो दूसरे स्पिरिचुअलिटी नहीं फॉलो कर पाते, अपनी लाइफ को अच्छा नहीं कर पाते, अपने आप को चेंज नहीं कर पाते हैं? बिकॉज दे डोंट नो द वैल्यू ऑफ इट। तो हमें अपने आप को बदलना इसलिए इतना मुश्किल होता है क्योंकि हमें अपने ही लाइफ की वैल्यू नहीं पता है। तो उस वैल्यू को जानिए, क्योंकि हमें अभी ये जो ह्यूमन बॉडी मिला है वो बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है, और हम आज जो कुछ भी कर रहे हैं वही हमें आगे आने वाले कल में मिलने वाला है। बचपन में हमने हमेशा सुना है कि कुछ बोलने से पहले और कुछ करने से पहले हमें हमेशा सोच लेना चाहिए, लेकिन आज हमारे पास कुछ सोचने के लिए ही टाइम नहीं है। हमारे पास फालतू की ओवरथिंकिंग करने के लिए बहुत सारा टाइम है, पर हमें कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा सोचने के लिए टाइम मिलता ही नहीं है। तो अगर आप अपने आप को और अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सोचना होगा। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या सोचना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट्स द पर्पस ऑफ माय लाइफ? मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मेरी लाइफ का इम्पोर्टेंस क्या है? ये सारी चीजें हमें सोचनी चाहिए। और जब हम अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंस को जानेंगे, उसकी वैल्यू को समझेंगे, तभी हम अपने आप को चेंज करने की शुरुआत कर पाएंगे। और अपने आप को बदलना एक प्रैक्टिस है जो आपको पूरी लाइफ करनी होती है। ऐसा नहीं है कि हमने एक दो दिन प्रैक्टिस करी, लाइफ थोड़ी सी चेंज हुई, उसके बाद हमने उसे छोड़ दिया। जी नहीं, इस प्रैक्टिस को हमें अपनी लाइफस्टाइल बनाना होता है, और इन प्रैक्टिसेस को कंसिस्टेंटली करने से धीरे धीरे आप अपने आप को चेंज कर पाओगे। और इसकी सबसे पहली शुरुआत होती है सुबह जल्दी सोकर उठने से। अगर आपने ये वाली हैबिट चेंज कर ली तो आपकी पूरी लाइफ बहुत जल्दी ही चेंज हो जाएगी। तो ये जो स्टेप है सुबह जल्दी सोकर उठना, ये सबसे मेजर और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। जब आपने इसे कॉन्कर कर लिया तो आपकी सारी प्रॉब्लम, सारी चीजें अपने आप उसकी जगह पर बैठ जाएंगी। तो अपने आप को चेंज करने में ये सबसे पहले नंबर पे आता है। एंड सेकेंड स्टेप शुड बी, आपको गोल सेट करने चाहिए, और आपके गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए। गोल्स ऐसे होने चाहिए जो आप करना चाहते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दूसरों को देख कर कर रहे हो, या फिर दूसरे आपको आकर बता रहे हैं आपके गोल्स। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और भागवत गीता में भी भगवान लास्ट चैप्टर में यही बता रहे हैं कि किस तरह से आपको अपने साइकोफिजिक नेचर के अकॉर्डिंग काम करने चाहिए। आपको भगवान ने जो टैलेंट दिया है, जो इंटेलिजेंस दी है, आपको उसे यूज करना चाहिए। तो इसलिए आपको अपने अकॉर्डिंग, अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग आपको अपने गोल सेट करने चाहिए। और अपने आप को चेंज करने में एक मेजर स्टेप ये भी है कि हमें अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। एक ही चीज है जो हम इंसान कभी नहीं मानते कि वो चीज मेरी है, और वो है गलती। तो हमें अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। उस गलती को सुधारिए, उस गलती से भी कुछ सीखिए, और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। बट यस, लर्न टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। एंड नेक्स्ट स्टेप शुड बी कि आपको अपना एसोसिएशन चेक करना चाहिए। अगर आपके एसोसिएशन में ऐसे लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प नहीं कर रहे हैं, या फिर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर आप अच्छे रास्ते पर जा रहे हो और उस अच्छे रास्ते को समझ नहीं पा रहे हो, और आपको अच्छे रास्ते पर चलने से रोक रहे हैं, तो ऐसे लोगों का एसोसिएशन आपको छोड़ देना चाहिए। एंड ऑफकोर्स, अपने आप को चेंज करने के लिए एसोसिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा आप संग करोगे वैसा ही आप बन जाओगे, राइट? तो इसलिए अपने एसोसिएशन को चेक जरूर करिए। और साथ ही हमें अपने आप में संभव की दृष्टि लाने की कोशिश करनी चाहिए। जब हमारे अंदर संभव की दृष्टि आ जाती है, यानी कि हर चीज को एक जैसा समान रूप से देखने की दृष्टि आ जाती है, तब हम अपने आप ही हमारी लाइफ में एक शांति आ जाती है, हमारे अंदर एक शांति आ जाती है।
और उस शांति की वजह से जब हमारा मन शांत रहता है तब यू नो हम ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाते हैं, हम एजिटेट नहीं होते हैं, हम किसी भी काम को ज़्यादा एनर्जाइज होकर कर सकते हैं। तो इस वजह से अपने आप को जब हमें चेंज करना है तो समभाव की दृष्टि लाना भी बहुत ज़रूरी है। और साथ ही अपने आप को कभी भी दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसी गलती है जिसे हर इंसान करता है और इसे ठीक करने के लिए आपको भागवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए। भागवत गीता से हमें पता चलता है कि किस तरह से आज हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे ही द्वारा किए गए पूर्व कर्मों के कारण है। इसलिए हमारी लाइफ को किसी और के साथ कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है। वैसे तो अपने आप को चेंज करने के लिए और भी बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, बट यहाँ पे अभी मैंने जो कुछ भी कहा, लाइक सुबह जल्दी उठना, अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करना, अपना एसोसिएशन सही रखना या फिर अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना, ये बहुत ही बड़े स्टेप्स हैं जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में स्टार्टिंग से ही उतारते हो तो आप अपने आप को बहुत जल्दी और बहुत इजीली चेंज कर पाओगे और अपने आप को एक पीसफुल और एक अच्छी लाइफ की तरफ आगे बढ़ा पाओगे। तो मेरी तरफ से आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन अगर आप कुछ और पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए हरे कृष्णा।